एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 मीटर। एक समलंब के आकार का खेत इसकी भुजाएं हैं 25 मीटर और 10 मीटर। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर बराबर समांतर। अगर दोनों समांतर हो जाएंगे दोनों जोड़े तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा और केवल एक जोड़ा समांतर है तो समलंब है। समांतर का मतलब ऐसी दो भुजाएं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को ना काटे। इसकी असमांतर भुजाएं असमांतर हुई जो समांतर नहीं है तो ये दो भुजाएं हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर काट देंगी तो ये असमांतर भुजाएं हो गई। इनकी लंबाइयां हैं 14 मीटर और 13 मीटर। ये हमारे पास सवाल है और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो किसी भी टू डायमेंशनल ज्यामिति आकृति में ऊंचाई के बिना क्षेत्रफल निकालना थोड़ा मुश्किल काम रहता है। इसका मतलब हमें इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। ऊंचाई सीधे सीधे निकालने का कोई तरीका हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा है। ऊंचाई क्या होगी? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर आप एक लंब डाल दीजिए 3। ये आपकी ऊंचाई है, ठीक है? इसीलिए आप पैमाने से बनाएंगे। ये इसकी ऊंचाई है जो हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणा समांतर लंब भुजाओं के बीच की दूरी। और दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा लंबवत होती है, आप याद करें। किसी एक बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालनी है वो भी लंबवत होगी, और कोई दो समांतर रेखाएं उनके बीच की दूरी निकालनी है तो वो भी लंबवत होती है। दूरी हमेशा लंबवत होती है, ठीक है? तो हमने दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकाली तो एक पॉइंट लेके यहाँ से लंबा है, ये लंबा है, ये भी लंबा है, तो ये आपका लंब होगा जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है? तो ये सीधा सीधा तो ज्ञात होगा नहीं, करनी पड़ेगी रचना। बिंदु B से AD के समांतर रेखा, AD के समांतर रेखा हमने बिंदु B से की, ये बिंदु B से जो रेखा है वो AD के समांतर है, इसे P कह देते हैं। ये E हो जाए, 25 मीटर यहाँ से यहाँ रहते, से पता लग रहा है कि 25 मीटर है पूरी। क्या करा हमने रचना में? AD के समांतर रेखा BD की खींची है, तो ये निशान से ये पता लग रहा है कि इसके समांतर है और ये किसके समांतर। दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनके छोटे छोटे भाग भी आपस में समांतर होते हैं, इसका मतलब AB DC के समांतर था और DE DC का भाग है, तो AB समांतर हो जाएगा DE हो जाएगा और AD समांतर हो जाएगा BE। क्या कहानी पता है हमने? हमें मालूम है क्योंकि ए बी भुजा समांतर है डी सी के, यहाँ से हमें ज्ञान मिला कि ए बी भुजा ही समांतर होगा डी ई के, क्योंकि डी ई डी सी का ही एक छोटा सा भाग। उसके अलावा ए बी जो है वो समांतर होगा डी ई के तथा ए डी जो है वो समांतर है बी ई के, ये तो रचना से किया। ए डी भुजा बी ई के समांतर, ये तो हमने रचना से बनाई। और अगर किसी चतुर्भुज की दोनों भुजाओं का जोड़ा आपस में समांतर हो जाए तो वो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज। तो यहां से पता लगा कि चतुर्भुज एबीसी एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या खूबियां होती है? हर किसी को कोई ना कोई खूबी होती है, उसके आमने सामने की बजाय बराबर होती। तो आप देख रहे हैं कि ये ए बी ये समांतर चतुर्भुज ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी? डी ई के। ए डी भुजा किसके बराबर हो जाएगी? अच्छा, ए डी कितना था और ए डी कितना है?
हमें ये पता लग गया कि डी ई का मान हो गया 10 मीटर तथा बी ई का मान हो गया 14 मीटर। चित्र में दिखा दो, ये ए बी 10 था तो ये भी 10 मीटर हो गया और ये कितना हो गया 14। इसी कितना बचा, ये पूरा 25 था, यहां से आया था कितना था, ये कितना यहाँ से आया था 10, तो इसी कितना बचा, इसी आ जाएगा 25 माइनस 10 बराबर 15 मीटर। तो इसी निकाल दिया हमने, कितने मीटर आया 15 यहाँ से और यहाँ, समझ लो तीर इधर यहाँ तक दूरी है और स्टॉप मतलब यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो एक त्रिभुज हमारे पास निकला है, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं पता है क्या है त्रिभुज हमारे पास, मैं यहाँ बना रहा हूँ दोबारा से, त्रिभुज बी ई सी है, ये 15 है, ये 13 है और ये, तो ए बी सी हो गई, ए बराबर 14, बी बराबर 13 और सी बराबर। जब हमें त्रिभुज की तीन भुजाएं पता होती हैं तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप एस, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, शायद पता हो तुम लोगों को सबसे कितना आ गया, 5 × 8 = 12 और 4 / 2 कितना आ गया। उसके बाद हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, तो वो कौन सा सूत्र होता है, क्या कहता है का सूत्र, अगर आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वर्गमूल चलिए अभी लगाइए, एस कितना है 21 माइनस ए का मान 14 है, 21 - 14 - 13 कितना आ गया भैया 21 × 7 × 8 × 6 टुकड़े कर देते कर सकते, 7 × 21 और 2 × 4 × 8 और 2 × 3 = 6 जोड़े बना के निकालो बाहर, 7 आ रहा है बाहर, तो 3 आ रहा है बाहर, 2 आ रहा है बाहर और 2 क्यों, वर्गमूल में कोई संख्या जितनी दो बार अगर गुणा कर रही होती है तो वर्गमूल से बाहर आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कितना आ गया, 7 × 1 = 42 होगी, मीटर की घात को क्या निकला है, क्या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का और भी कोई सूत्र होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हीरोन फॉर्मूले के अलावा भी कोई सूत्र होता है, हाँ बिल्कुल होता है, क्या होता है वो, 1/2 × 2 = 4 और कितना आ गया ये 10। तो 1/2 इस त्रिभुज का आधार क्या है, अगर ऊंचाई ये ले लें इसी और ऊंचाई कितनी है बीपी बराबर कितना है, चलो यहाँ पर लिख दो तथा बीपी लंब डीसी मतलब बी से हमने एक लंब डाल दिया है, कौन सी डीसी ऊंचा, तो ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, ये त्रिभुज की भी ऊंचाई होगी और ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी होगी, दोनों काम एक ही चीज करेगी, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमने निकाला तो सूत्र लगाया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो निकलेगी तो त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ से और वो काम किसका करेगी, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी 1/2 ईसी कितना है 15, बीपी कितना है ये तो निकालना है, अरे बीपी तो निकालना है, बीपी तो ऊंचाई है, 13 तो ये है बीसी, बीपी तो पता ही, तो बीपी आ गया आपके पास 84 × 15 ये है बटा नहीं नहीं उल्टा हो रहा है, 15 गुणा कर रहा है इधर आकर भाग करेगा और 2 भाग कर रहा है इधर आके गुणा कर रहा है, काट किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6 और 3 × 8 = 24 कितना आ गया,
छप्पन बटे पांच, ये किसका मान आया है मीटर। अब हम निकालेंगे समलंब, कौन है समलंब चतुर्भुज, नाम बताओ ए बी सी डी का। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एक बटा दो समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। तो एक बटा दो समांतर भुजाओं का योग अगर कितना 10 + 25, भाई समांतर भुजा एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर और एक की वो मीटर में है और दूसरे की 25 और समांतर भुजाओं का मध्य दूरी कितनी आई है 56 बटे हाँ, ये क्या है समांतर भुजाओं मध्य दूरी बराबर 56 बटे 5। तो 1/2 गुणा 35 गुणा 56 बटे 5 35 जब तक जो पूछा है उसका आंसर दे दोगे नंबर नहीं मिल सकते। समलंब आप लोग अधूरा आंसर निकाल के रखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्र।